मौत मेरी शाहिन जी, मैं राज बोल रहा हूँ दिल्ली से। आपके लिए खुशखबरी है, चांद जिंदा है। आप सुन रहे हैं ना शाहिन जी, आपका चांद जिंदा है। आप फौरन दिल्ली आ जाइए, आप मेरे होटल में रुकिए, राज विलास होटल में। बेटी, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं बेटी, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया, अरे अबू बहुत नाराज होंगे बेटी। होने दीजिए नाराज, नाराज तो मैं खुद पर हूँ। जिन्हें मैंने अपनी अम्मी और अबू माना, आज मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तू अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो अपने इन आंसुओं को पोंछ दे बेटी। मैंने हमेशा तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, मैं इन पर आंसू नहीं देख सकती। बहुत रोलिया हम सब ने अम्मी, बहुत रोलिया हम सब ने। अब मैं आपको वो सारी खुशियां लौटाऊंगी जो वक्त ने आपसे छीन ली थी। कैसी खुशियां मेरी बच्ची, हमारी सारी खुशियों ने तो चांद के साथ ही दम तोड़ दिया था। चांद जिंदा है अबू। हाँ अम्मी, हमारा चांद जिंदा है। वो इस वक्त दिल्ली की जेल में कैद है। क्या कह रही हो मेरी बच्ची? सुना तुमने बेगम, हमारा चांद जिंदा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, मेरे खुदा ने मेरी सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अबू मौला। मैं जा रही हूँ हमारे चांद को छुड़ाने। क्या? लेकिन तेरा तो निकाह है बेटी। मैं आज इस पाक कुरान पर कसम खाकर अहद करती हूँ कि जब तक मैं चांद की बेगुनाही साबित ना कर दूं, मैं शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी। तू उसे लेकर कहीं दूर चली जा बेटी, वहाँ अपनी एक अलग दुनिया बसा ले। हाँ बेटी, अगर वो यहाँ आया तो यहाँ के लोग उसे जान से मार डालेंगे। हम ये सोचकर खुश होंगे कि तुझे अपनी और मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत मिल गई है। शाहिन, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारे अब्बू कभी राजी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, मैं भी उनकी बेटी हूँ, उनसे अपनी बात मनवा कर ही रहूंगी। ट्राई भाई, कौन सी बात मनवाने की बात कर रही हो? खानू ये जिद कर रही है कि अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई और दिल्ली जाएगी। मैंने समझाया है कि आप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बताइए खानू, क्या अच्छे कपड़े नहीं मिलते? अरे हर चीज मिलती है। आप ही बताइए अब्बू, आप मुझे इतने बड़े घर में ब्याह रहे हैं, मैं न्यूयॉर्क जाकर रहूंगी, मेरा होने वाला शौहर मुझे इन कपड़ों में देखकर दो दिन में ही किसी गोरी मेम की बाहों में भाग जाएगा। फिर मैं वापस यहाँ आकर आपके सर पर ही बैठूंगी। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो मैं नहीं जाती शॉपिंग करने। तुम हरगिज मेरे सर पर नहीं बैठोगी, शॉपिंग करने जाओगी। थैंक यू अब्बू, आई लव यू।
बेटी, मैंने तो तेरी आवाज सुनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज तेरे चेहरे पर यह खुशी देखकर मैं पागल सा हो गया हूं। तुझे जहां जाना हो जा, जो कुछ खरीदना हो खरीद, मगर ऐसे ही खुश रहकर। थैंक यू अप्पू। लेकिन खानू, मैं ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। बेशक आप साथ जाएंगे तो हमें भी फिक्र नहीं होगी। जिस जेल में आज तक दिवाली नहीं मनाई गई है, आप लोग वहां फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं? हाँ। और आपको मेरी शक्ल देख के ये लगता है कि मैं आपको परमिशन दे दूंगा? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फिल्म में हीरो कौन है, ऋतिक या शाहरुख? जी वो क्या है कि ऋतिक की यादें अब तक ताजा हैं और शाहरुख और हमारे बीच में राम जाने क्या हो गया, इसलिए हमने एक नए लड़के को चांस दिया है। काश मुझे भी कोई चांस देता और मैं अपना टैलेंट दुनिया को दिखा पाता, दुनिया मुझे देखने आती। अरे सर, आप एक बार लोकेशन तो दिखाइए, उसके बाद हम आपको पूरी फिल्म में इस तरह दिखाएंगे कि आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। क्या? सर आप ही आप दिखाई देंगे पूरी फिल्म में। लोकेशन तो दिखाइए। आइए ये देखिए। वाह साहब वाह, क्या जगह! बताइए कैसी लगी है जगह? बहुत बढ़िया, ये तो फिल्म के लिए। वाह! देखिए, आपको शूटिंग के लिए ऊपर से परमिशन लेनी होगी, वरना जेल में शूटिंग में बहुत झंझट होता है। अरे सर, आपकी मदद से वो भी ले लेंगे। और भी जगह नहीं है ना, आइए। ये सारे कैदी चिल्ला के, सब मेरे फैन है ना। लेकिन आपने आज तक यहाँ पर शूटिंग अलाउ किया है? भाई किसी ने मेरे टैलेंट को परखने की कोशिश ही नहीं की। वाह क्या सुपर है सर। देखिए आप तो जानते हैं आपने जिंदगी भर पुलिस वाले का काम किया है, लेकिन आपके पुल में हमें चोर का रोल दीजिए। पर चोर तो ये है, आपकी पुलिस वाले है। आपकी फिल्म में हमारा रोल पक्का है ना? नहीं 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 नहीं, रोल तो पक्का ही समझिए सरकार। और कोई सेल नहीं है यहाँ पर, है ना? आइए स्पेशल सेल दिखाता हूँ। आइए मैडम, ये ही मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल है। सारे छठे हुए बदमाशों को यही बंद किया जाता है। क्या बोलते हैं सेल को? हम इसको अंडा सेल कहते हैं। एक बात बताइए, आपके बच्चे को छोड़कर कुछ कैदी भागा है? अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो हम उसकी मुट्ठी नहीं बना देंगे। अच्छा है, अच्छा है, आपके अंडे और धंधे का पट्टा बहुत अच्छा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा सुनता है, वो अंडे वाले गाने में अंडे का रोल आपको क्यों नहीं दिया? क्या क्या बोला? नहीं मजाक कर रहा। मैडम कैसी लगी आपको लोकेशन? जनरल साहब कोई और अच्छा एरिया है यहाँ पर? अरे एक से एक एरिया, आइए आप। सर मैं तो बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से ये लोकेशन शूटिंग के लिए बिल्कुल